हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे, इसराइल और हमास का वार। आखिर इसकी नौबत ही क्यों आई? ऐसा क्या हो गया कि इनके बीच में इतने बड़े वॉर की इतना बड़ा वॉर जो है स्टार्ट हो गया? तो ऐसा कई बार हमने सुना है, इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे वॉर्स के बारे में सुना था। रशिया का वॉर हुआ, चाइना का वॉर हुआ, फिर एक के बाद एक देशों के बीच में कंटिन्यूटी में लड़ाई होती ही जा रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आप सब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होता है। हमेशा जब भी किसी भी देशों के बीच में वॉर होता है तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हम इसकी जानेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि ऐसे जब भी कोई वॉर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ती है वो ऑलमोस्ट फेस करना पड़ती है वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, जो आम जनता होती है, उसी को करना पड़ती है। तो हमने एक विकीपीडिया के थ्रू यहाँ पर एक मैप की लोकेशन ली है। वैसे आप न्यूज़ में सुनी रहोगे तो हमने काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो इसको नहीं लिया है, छोटा सा ही लिया है ताकि आप लोगों को समझ में ही आ सके। तो जनरली हम ये बात करें कि जो इसराइल है और उस गाज़ा पट्टी के जो आप सुन पा रहे होंगे, इनके बीच में वॉर आखिर स्टार्ट क्यों हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ कि वॉर स्टार्ट होने का मेन पॉइंट क्या है। तो इसराइल और गाज़ा के जो इतने भी एयर रिलेटेड एरियाज़ होते हैं, या हवाई जहाज़, हवाई क्षेत्र, या इसके अलावा हम वाटर रिलेटेड जहाँ पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कनेक्शंस के वेज हैं, चाहे वो एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू, यानी हवाई क्षेत्र कह सकते हैं उनको, हम जलीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी इनकी तीनों सीमाएं हैं, उनमें से इनको दो को कंट्रोल कर लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले इन्होंने दो को कंट्रोल किया, उसके बाद जो तीसरा वाला था उस पर यहाँ पर कंट्रोल था मिस्र का, इनका कंट्रोल था, इनका दो का कंट्रोल था और एक का कंट्रोल जो था मिस्र का था। और उसके बाद इन्होंने जब कि वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके पहले क्या किया, इसराइल ने जो गाज़ा पट्टी थी उसका पूरा कंट्रोल कर लिया, पूरा उसको पूरा ऑल और कंट्रोल कर लिया, और वहाँ पर जितने भी फ्यूल्स थे, वाटर्स थे, उसकी सप्लाईज़ को उन्होंने रोक लिया। क्योंकि आप जानते हैं जब वाटर सप्लाईज और फ्यूल सप्लाईज को ही बंद कर दिया जाएगा तो कब कितना उनके पास में सेविंग्स होगी, जब तक सफिशियंट होगा तब तक ही वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और जब उन्होंने सप्लाई करना ही बंद कर दिया तो इसके बाद में कहीं ना कहीं फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है वॉर की इनिशियल स्टार्ट। वैसे ये एक दो साल पहले से ही चल रहा है वॉर की, कुछ ना कुछ इनिशियल स्टार्ट चल ही रही है। तो इसके बाद उन्होंने और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कंट्रोल ये किया कि जो भी उसके फेवर में आएगा या किसी भी टाइप से उसका सपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल कर दिया, ताकि कोई भी उनका सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर पाए। जनरली अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसराइल और गाज़ा, जैसा कि अभी हमने समझा कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखते हैं कि आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ। एक इंपॉर्टेंट गाज़ा पट्टी पे जो कि इसराइल ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि गाज़ा की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ, यानी कि जो हमास जिसे कहा जा रहा है वहाँ से भी कुछ इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुए हैं, तभी तो वॉर कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अल अक्सा स्टॉर्म, जो कि मैं इमेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, इमेज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है अल अक्सा स्टॉर्म को कहा जाता है। हमास ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था और यहाँ पर जो भी लेडीज़ थी इसराइली हमलों से, या यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद, इनको अपवित्र करने में गाज़ा में घेराबंदी चल रही थी। बस यहीं से कहीं ना कहीं इसका इनिशियल पॉइंट्स माना जाता है और फिर स्टार्ट होता है। फिर हमास ने पहला अटैक किया एयर के थ्रू, उसके बाद फिर इसराइल भी पीछे नहीं हटा, इसराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे। और अभी आज के दिन कंडीशंस देखते हैं 19 अक्टूबर की, तो यहाँ पर इसराइल के थ्रू हमास के हॉस्पिटल्स पर अटैक किया गया है, जहाँ पर जो लोग सिर्फ वहाँ से भाग पाए वहीं अपनी जान बचा पाए, बाकी वहीं डेथ हो गए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दूसरा कि हमारा देश भारत जो कि इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो आखिर इसराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे के क्या रीजंस है? तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस ये है कि इसराइल की तरफ से जो मोर्टार होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इसराइल की तरफ से हमारे देश को प्रोवाइड किए जाते हैं, इन्हें सपोर्ट करता है इसराइल कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब इंडिया और पाकिस्तान की फ़ाइट हुई थी, जैसे आज वॉर चल रहा है वैसे ही पहले वॉर हुआ था, तो उस वॉर में भी जो 1965 और 1971 में वहाँ पर जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने इंडिया की कोई हेल्प नहीं करी, बट जो इसराइल था, इसराइल ने उस वक्त भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जैसे आर्मी प्रोवाइड करवाई थी हमारे देश को। तो यही मेन रीज़न है कि आज जब इसराइल का वॉर हो रहा है तो इंडिया उसको सपोर्ट प्रोवाइड को दिखाई दे रही है। इस भी हाँ पे हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे देश के काफ़ी सारे ऐसे पीपल्स हैं जो इसराइल में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हमारे देश ने क्या किया, तो उनको वापस बुलाने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमारे देश के द्वारा की जा रही, ताकि उन्हें वापस सुरक्षित अपने घर पर बुलाया जा सके।
तो वाई इज़राइल एंड हमास आर फाइटिंग। तो हमास जो है, जैसा कि मैंने भी आपके साथ में बता दिया, गाज़ा पट्टी काफ़ी सालों से 2006 से भी पहले इसमें अटैक हुआ था। जो पलिस्तान है वहाँ के प्रिजनर्स को यहाँ से फ्री करवाने के लिए, इसके अलावा जो अलास्का मस्जिद है इस पर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अपवित्र करने का कुछ आरोप लगाया गया था इसराइल की महिलाओं के द्वारा, तो बस वहीं से फिर ये वॉर स्टार्ट हो जाता है और बीच बीच में फिर पॉज लेता है, फिर वापस से छोटी छोटी फाइट चलती है, कुछ देश उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। द इसराइल एंड पाकिस्तान वॉर इन 2023। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि रिसेंट भी ये वॉर हो चुकी है, लेकिन अभी 2023 में वापस से रिस्टार्ट होने के पीछे क्या रीज़न है? तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमास और इसराइल, इनके बीच में 7 अक्टूबर 2023 से ही वापस से फिर से स्टार्ट हो जाती है और अटैक होता है एकदम मॉर्निंग में, बिल्कुल हमास की तरफ से 3000 रॉकेट्स के द्वारा यानी एयर अटैक किया जाता है गाजा स्ट्राइप पर फिर से इसराइल के अगेंस्ट, और जो कि एकदम सरप्राइज प्लान करने वाला था, इतने सारे लोग उसमें मर गए। उसके बाद फिर अमेरिका और इंडिया जब इसराइल के फेवर में आए, तो अभी कंटिन्यूसली वॉर हो रहा है। अभी वॉर कब थमेगा, बस हम प्रे ही कर सकते हैं। आप जानते हैं कोई भी वॉर होता है किसी भी देश के बीच में, तो हमेशा उससे सिर्फ लॉस ही होता है, प्रॉफिट किसी को नहीं होता है, चाहे कोई भी देश ही किसी भी वॉर को जीत जाए। लेकिन आप जानते हैं, हमेशा ही करते हैं कि इसराइल में अभी कौन सा धर्म है, क्या एक मुस्लिम कंट्री है या ये ईसाई कंट्री है? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक यहूदी कंट्री है, और जैसे कि प्राचीनतम या एंशियंट जितने भी धर्म हैं उनमें से एक माना जाता है, और इस धर्म में ईश्वर यानी कि पैगंबर मान्यता प्रधान ये धर्म है। और कुछ बस यही चल रहा है कि यहाँ अलग धर्म चलता है, हमास में अलग चलता है, और यहाँ के द्वारा ही अलास्का जो मस्जिद है उनको अपवित्र करने का आरोप लगाकर ये वॉर स्टार्ट की गई थी, और अभी कंटिन्यूटी में ये वॉर चल रही है। आगे जो भी अपडेट होगा ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, और इसकी PDF भी आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मेरे बैक में जो वीडियो चल रहा है, कितना मतलब एक डेंजरस, उसको देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर ये रियलिटी में हो रहा होगा वहाँ के पीपल्स पर क्या बीत रही है। थैंक यू।